साक्षी आज एक आयुष्मान को नया गिफ्ट खरीद के देती है जो आयुष्मान को बहुत पसंद आता है। वो रिप्लाई में थैंक यू सोनाक्षी आंटी बोलता है, जो ईश्वरी और मामी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ईश्वरी खुद को मना लेती है कि सुहा बाहर है तो ये शायद कम हो जाएगा। इसके बाद देव और आयुष्मान की बात होती है। देव उनसे बात करना चाहते हैं कि वो इतने खुश हैं, सुहा को मिस करते हैं या नहीं। तब आयुष्मान कहता है कि सुहा ने उसे बताया था कि दादी उससे कम प्यार करती क्योंकि वो आ गया है। तब ये सुन के देव थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और इससे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सडनली तुम आ गए हो तो उसे ये फील हो रहा है, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। वैसे कुछ और सीक्रेट हो तो वो देव को बता सकते हैं क्योंकि देव सीक्रेट रखने में बहुत अच्छे होते हैं। ये सुन के आयुष थोड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि सोनाक्षी अपने पापा और अपनी बहन से बात करती है, एलिना और मिस्टर बोस से। तब एलिना एक कैफ़े के लिए प्रमोशन करती है, वो कैफ़े बहुत अच्छा है, लेकिन मिस्टर बोस समझ जाते हैं कि सोनाक्षी थोड़ी सैड है। तब सोनाक्षी को याद आता है कि देव ने उसे प्रॉमिस किया था कैफ़े में मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं आया और वो वहाँ पर वेट करती रही। तब मिस्टर बोस फिर से कहते हैं कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, उसके बाद देव वहाँ पे आ जाता है। और एलिना देव को हाय बोलती है और मिस्टर बोस पूछते हैं देव को कि क्या हुआ है सोनाक्षी को। तब देव रिप्लाई देते हैं कि आपको तो आपकी बेटी के बारे में सब पता रहता है, कि अभी भी शायद आपको ही पता रहेगा। उसके बाद मिस्टर बोस सोचते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ये इसलिए वो फ़ोन काटने के लिए बोलते हैं और सबको बाय बोलते हैं और एलिना और मिस्टर बोस फ़ोन को काट देते हैं। तब देव उनसे बात करता है कि इसीलिए तुम्हारे मायके वालों के साथ तुम्हारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि सब कुछ तुम्हें वहाँ से पता चलता है। तब सोनाक्षी ये बोलती है कि हाँ, फैमिली के साथ तो क्लोज़ रहना चाहिए, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तब देव को याद आता है कि हाँ, उसी ने कहा था कि वो आज सोनाक्षी को डेट पर लेकर जाएगा, लेकिन वो उसने नहीं पूरा किया। तब देव सोना के पास आता है और उसे सॉरी बोलने के लिए आता है। तब सोना बोलती है कि क्यों सॉरी, इतना अर्जेंट क्या था। तब देव बोलता है कि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था। उसी टाइम पे सोना का फ़ोन आ जाता है और वो जतिन से बात करती चली जाती है। उसी टाइम पे देव मैगज़ीन को उठा के उसे दिखाना चाहता है कि क्या काम था, लेकिन वो दिखा नहीं पाता क्योंकि सोनाक्षी बहुत बिजी चलती है फ़ोन के अंदर। तब देव वहाँ से उठ के चला जाता है और सोना जब फ़ोन काटती है तब वो देखती है मैगज़ीन को और वो समझती है कि देव उसे क्या बताना चाहता है। तब वो रियलाइज़ करती है कि ये अच्छा नहीं हुआ और वो वहाँ से उठ के देव के पास जाती है कि उसे सॉरी बोलने और कांग्रेस बोलने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है देव के लिए। तब देव के पास जब वो जाती है और वो उसे सॉरी और थैंक यू बोलती है, तब देव उसे रिप्लाई करते हैं नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, वेलकम। एंड देन दोनों बात ही करते हैं। उसी टाइम पे देव का फिर से फ़ोन आ जाता है और सोनाक्षी कुछ रिप्लाई ना सुनने की वजह से वहाँ से चली जाती है। इसी के बाद दिखाया जाता है कि सोना फिर से फ़ोन पे बात करती है मिस्टर बोस से आयुष के एडमिशन के रिगार्डिंग, क्योंकि उसे लगता है कि देव बहुत बिजी है तो शायद वो आयुष का एडमिशन के टाइम पे नहीं आ सकते। तब मिस्टर बोस बोलते हैं कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम जब बोलो जहां बोलो तुम्हारा डैडी वहां पे आ जाएगा। तभी उसी टाइम पे सोनाक्षी बोलते हैं थैंक यू बाबा, आप हो तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तब टाइम पे मिस्टर बोस ये बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं आ जाती मेरे घर पे, थोड़ा मुलाकात हो जाएगा तो अच्छा लगेगा तुमको। लेकिन सोना उसे टाल देती है और बोलती है कि कल मिलते हैं। उसके बाद दिखाता है कि सोहा और गोलू बात करते हैं एक गोस्ट की स्टोरी के ऊपर, जो सोहा उसे उसकी फ्रेंड ने बताया था, जो वो गोस्ट के बारे में सुनाती है गोलू को, और गोलू बहुत ज़्यादा डर जाता है इसकी बात पर। और उसी टाइम पर वो एलिना के पास चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद सच में गोस्ट होते हैं। तब एलिना उसे समझाती है कि गोस्ट ऐसे नहीं होते, ये सिर्फ एक कहानियाँ होती है। और उसी टाइम पे सोहा उसे एलिना को बोलती है कि 9th फ्लोर पे ये गोस्ट कैसे नहीं आ सकती, वहाँ पे प्लम्बर या कोई और क्यों आ सकता है। तब एलिना उसे समझाती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि क्लीनर और प्लम्बर्स ऊपर रहते हैं। उसी टाइम पर एलिना के फैंस उसे मैसेज करते हैं कि आई मिस यू, वाई आर नॉट टॉकिंग विथ मी। देन एलिना उसे रिप्लाई करती है कि मुझे अच्छा लगा।
तब उसके फैन ये भी बोलते कि तुम कैफ़े में मुझसे मिलने आई थी। तब एलिना बोलती है कि नहीं, मैं अपने फेक फ्रेंड से मिलने आई थी। तब उसका फ़ैन उसे बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी शादीशुदा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा पति एक गधा है कि तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की को उसे पता नहीं चला, और तुम जब धूप में निकलती हो तो तुम पिंक हो जाती हो। उसको सुन के अलीना को थोड़ा डाउट लगा और वो ये बोलती है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं पिंक लगती हूँ। उसी टाइम पे गोलू आ जाता है और ये बोलता है कि आप किससे चैट करती हो। तब अलीना बोलती है मेरे एक दोस्त से चैट करती हूँ, और अलीना उसे समझाती है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें प्रे करना चाहिए, वही होता है। उसके बाद अलीना फिर से उसे चैट करती है कि मैंने बहुत सारे पिक्चर अपलोड किए, अभी तुम भी करो अब एंड टेल अबाउट यू। देन उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर मैं पिक्चर अपलोड कर दूंगा तो तुम शर्मा जाओगे। उसके बाद दिखाते हैं कि ईश्वरी जी और आयुष्मान की बात होती है सोनाक्षी के दिए हुए गिफ्ट के बारे में। तब सोनाक्षी के बारे में ईश्वर ये बोलते कि तुम उसे आंटी क्यों बुलाते हो, वो तो तुम्हारी माँ है। तब आयुष्मान बोलते हैं मेरी माँ वो नहीं है, मेरे दादा दादी हैं, आप मेरी दादी नहीं हैं, वो सिर्फ मेरी आंटी है, आप भी मेरी आंटी है। ये सुन के ईश्वरी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो देव को समझाती है कि बच्चे को अपने माँ को अपना माँ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने माँ को भाभी बोलती हूँ, और लास्ट टाइम तक मैंने उनको भाभी ही बोला क्योंकि मुझे ये हैबिट नहीं था, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं मेरे माँ से रिलेशन जानती थी, लेकिन ये बच्चा तो वो भी नहीं जानता। ये सुन के देव बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, वो ईश्वरी जी को रिलैक्स करना चाहता है। तब उसे उन्हें बिठा के वो एक कप कॉफ टी पिलाते हैं और उसे अच्छे से काम करना चाहते हैं। उसके बाद उसे गुड न्यूज़ देते कि सोहा के स्कूल में ही वो आयुष्मान का भी एडमिशन करवाना चाहते हैं, और ये एक पहला स्टेप होगा कि वो देव दीक्षित का लड़का कहलाएगा। तब ये सुन के ईश्वरी थोड़ा खुश हो जाती है कि हाँ, पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है आयुष्मान की लाइफ में जो देव दीक्षित के टाइटल के साथ होगा। उसके बाद देव वहाँ से उठ के चला जाता है और वो स्कूल पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि मिस्टर बोस और सोनाक्षी पहले से मौजूद है, और वो सोना को पूछता है कि तुमने अपने बाबा को बुला लिया। तब सोना बोलती है कि क्या पता तुम अगर आओ या नहीं, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। तब वो दोनों प्रिंसिपल से बात करना स्टार्ट करते हैं और प्रिंसिपल उन्हें वेलकम करते हैं। तब प्रिंसिपल पूछते हैं कि मुझे लगा कि आप अपने बेटे का एडमिशन किंडरगार्टन में करवाना चाहते थे। तब सोना थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और देव को पूछती है कि तुमने फॉर्म से ये टिक नहीं मारा था कि उसे कौन क्लास में एडमिशन देना है। तब ये बोल के देव ये बोलता है कि आयुष्मान भी हमारा लड़का है, आप उनसे बात करें। तो प्रिंसिपल उसे बुलाता है और उसे अपने मॉम और डैड के नाम पूछता है। तब वो अपने पिता का नाम रोहित और माता का नाम मित्तल बोलता है। ये सुन के पूरी देव और सोना थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं और प्रिंसिपल भी। तब मिस्टर बोस उसे सजेशन देते हैं देव को कि अगर तुम एक लॉयर कर लेते और अडोप्टेड कर लेते उसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद देव प्रिंसिपल को सारी स्टोरी बताते हैं, और उसी दौरान सोहा और गोलू एक गेम प्ले करते हैं और उसमें शायद सोहा हार जाती है। इसी वजह से सोहा को ऐसा लगता है अगर आयुष्मान को भी वो इसी रॉकेट में बिठा के कहीं भेज दे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन गोलू उसे बोलता है कि तुम क्यों चाहती हो ऐसा, वो तो अच्छा है, कुछ दिन के बाद वो चला जाएगा। लेकिन सोहा समझ जाती है कि वो नहीं जाने वाला और वो उसी रूम में रहेगा जो सोहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद प्रिंसिपल ये बोलती है सोना और देव को कि स्कूल के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकती, इसीलिए उसे सजेस्ट कर रहे हैं उन दोनों को कि आप लीगल डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लें। तब सोनाक्षी देव को बोलती है कि तुम आयुष के दादा दादी के पास जाओ और उन्हें क्लियर बात बताओ कि हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एडॉप्शन के पेपर पे साइन कर दें। तब आयुष को लेके देव उसके दादा दादी के घर पे जाता है और आयुष्मान उसे देख के बहुत खुश हो जाता है, और देव के साथ उसके दादा बात करना स्टार्ट करते हैं उसके परिवार के बारे में। तब देव उसे ये बताते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि सोहा के स्कूल में ही आयुष का एडमिशन हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने एडॉप्शन के पेपर साइन नहीं किया है। तब उसके दादा थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि आयुष के साथ उनके भाई उनके बेटे का नाम जुड़ा हुआ है और वो नहीं चाहते कि ये नाम उससे छूटे, क्योंकि इस यही है उनके वंश का एक
प्रमाण, अदरवाइज कोई भी नहीं है जो उनके वंश को बढ़ा सकता है। इसी के लिए ये वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।